हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म जो है कौन कौन से हैं और किस तरह से आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली बहुत लोगों को पता है कि कौन कौन से हैं, लेकिन हमें वहां पर किस तरह का कंटेंट, किस तरह से शुरुआत करें, ये नहीं पता चल पाता है। तो आज जो है इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह का कॉन्टेंट आपको जो है डाल के स्टार्ट करना है और किस तरह से आप अर्निंग जो है वो अपनी स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए। तो बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो प्लेटफॉर्म जो है हम उन्हीं सब की बात करें जो कि है सोशल मीडिया। तो आज जो है इनके ऊपर जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्ले टूल्स जो है हमारे पास अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल है, उनके ऊपर ही हम किस तरह से अपना काम करके जो मनी मेकिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखें ताकि आप इन सब डिटेल के बारे में जान सके। तो मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर ऑनलाइन वीडियो क्रिएशन की। ऑनलाइन वीडियो क्रिएशन करके हम यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे अदर जो है प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उनके ऊपर, फेसबुक हो गया, इनके ऊपर जो है हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, अवेयरनेस बना सकते हैं, जिसके जरिए हमारे पास फेसबुक के ऊपर भी ऐड आती है, उससे भी हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। यूट्यूब के ऊपर अगर हम डालते हैं तो यूट्यूब के ऊपर से भी ऐड जो है आपकी एनेबल होने के बाद आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि यार हमें वीडियोज बनाने कैसे हैं, कहाँ से शुरुआत करें। तो गाइस, यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि आपको वही करना है जो आपको आता है। तो यहां पे आप एज अ कंसल्टेंट जो है दूसरे लोगों को जो है आप बिल्कुल आपका माइंडसेट एकदम ऐसा रखें कि आप एक कंसल्टेंट हैं किसी के लिए, जो आपको आता है आप दूसरों को नॉलेज दे रहे हो, राइट। कंसल्टेंटिंग, कंसल्टेंसी जो है वो कोई बड़ा काम नहीं है। कंसल्टेंसी का मतलब होता है कि जो आपको आता है आप दूसरे लोगों को जो है वो कैसे काम करें, उसका उस नॉलेज का कैसे इस्तेमाल करें, यही काम जो है हम उसको कंसल्टेंसी कहते हैं, राइट। तो यहां पर आप भी इसी तरह के जो आपका नॉलेज है आप उसके बेस के ऊपर में वीडियोस बनाना स्टार्ट करें, लोगों को बताएं कि आपकी जो नॉलेज है उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे वो अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, कैसे जो आपका नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके लोग अपना जो है काम कर सकते हैं। ऐसे में होगा क्या कि जब आप लोगों को वो वीडियोस मिलेंगे, वो आपके वीडियोस को देखेंगे और धीरे धीरे आपका जो है ऑडियंस ग्रो होता चला जाएगा और फिर आपके पास जो है यहां पर एक और अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी। आपके पास ऑडियंस आ चुका है, गूगल की एड जो है आपके पास एप्लीकेबल हो चुकी है, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि आपका ऑडियंस ग्रो हो चुका है तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सरशिप। लोग जो है आपको अप्रोच करते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए ताकि उनके प्रोडक्ट्स को जो आपके सर्विस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके स्पॉन्सरशिप्स के लिए जो आपके पास आते हैं, तो स्पॉन्सरशिप से हमें यहाँ पे पैसा मिलता है। तो स्पॉन्सरशिप एक और नया जरिया हमारे लिए, एक नया प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है ऑनलाइन जिसके जरिए हम जो है पैसा कमाते हैं। तीसरा, अभी ऐसा कर दिया तो अब आपके पास एक और नई अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि अब क्योंकि आपके पास ऑडियंस क्रिएट हो चुकी है तो ऑडियंस के जरिए आप क्या कर सकते हो कि यहां पर कुछ एफिलिएट प्रोग्राम जो है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एफिलिएट में करना क्या है, जो भी कैटेगरी का आपका नॉलेज है उससे रिलेटेड डेफिनेटली कुछ प्रोडक्ट होंगे, कुछ सर्विसेज होंगी, आप उनको जो है यहां पर प्रमोट कर सकते हो, जो है लोगों तक पहुंचा सकते हो। लोग अगर उन सर्विसेज का यूज करते हैं या लोग उन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं तो आपको जो है उसमें से कुछ कमीशन मिलेगा। तो आपका तीसरा जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है। चौथा, यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो भी आपने वीडियोस बनाए हैं, हर वीडियो में आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, लेकिन हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल के अंदर हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम उसको जितना शॉर्ट करके रखना चाहते हैं उतना ही हम शॉर्ट के अंदर जो है वीडियोस को बना लेते हैं। तो इसके बाद जो आपके पास में यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन ओपन होता है वो है आपका ब्लॉगिंग। जी हाँ, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म आप स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के अंदर आपको करना क्या है, जो आपने वीडियोस बनाए हैं उसके अंदर जो आपने बताया है उसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करें, करीब 2,000-2,500 तक जो है वर्ड्स के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करें, इमेजेस डालें तो लोगों तक जो है वो भी आपके सर्च इंजन्स में टॉप करेंगी तो वहां से भी आपके पास इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ब्लॉगिंग से अर्निंग आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। और फिर पांचवा, एक और ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाता है क्योंकि अब आपके पास ऑडियंस बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो ऑडियंस जितनी बड़ी हो जाती है फिर उसके बाद
आप अपने नॉलेज जो भी आपका अब तक है उसको एक समराइज करके एक बहुत ही अच्छी स्टेप बाय स्टेप जो है एक ई बुक डिजाइन कर दो। ई बुक डिजाइन करके जो है आप उसके अंदर बिल्कुल आपका जो एक्सपीरियंस है, ताकि लोग जो है अपने करियर के अंदर आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग जो आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो बढ़ रहे हैं उनको जो है आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं, कैसे उनको आगे बढ़ना है, इसकी एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप एक बुक पब्लिश करें। और बुक पब्लिश करके आपको फ्री में नहीं देनी है, आप उसको जो है पेड में दे सकते हैं। और डेफिनेटली जो आपके व्यूवर्स हैं उनको अगर आपके वीडियो से बेनिफिट मिलता है तो 101% जो है आपकी बुक को भी बाय किया जाएगा। और ऐसे भी जो है आप अपना एक और प्लेटफॉर्म ओपन कर लेते हैं अर्निंग का, जिससे आपका जो है कुल मिला के अब तक जो एक वीडियो से हमने जर्नी स्टार्ट करी थी उसके अकॉर्डिंग हमने उसी के बेस के ऊपर ही हमने 5 जो है वो प्लेटफॉर्म्स ऑन कर लिए हैं जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइज यहां पे हमने मैंने आज के इस वीडियो के अंदर जो है आपको 5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताए जिनके वजह से जो है आप आसानी से 1x1 स्टार्ट करके आप अपनी अर्निंग को जो है वो ऑनलाइन इंक्रीज कर सकते हैं। पहला हमने वीडियो का देखा, दूसरा मैंने आपको स्पॉन्सरशिप बताया, फिर तीसरा मैंने आपको ब्लॉगिंग बताया, फिर उसके बाद एफिलिएट बताया, फिर ई बुक्स बताया। तो ये 5 जो है मैंने आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताए हैं जिनके जरिए जो है ऐसे सोर्स बताए हैं जिनके जरिए हम 1x1 करके जो है अपने ऑनलाइन अर्निंग को इंक्रीज करते चले जाते हैं। और गाइस यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है बाय करने की, यहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है आपके अर्निंग की, आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी अर्निंग आपकी डे बाय डे इंक्रीज होती चली जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।